जीएमडीसी का तो ध्यान नहीं आ रहा है। कुणाल, जीएमडीसी ये कंपनी कैसी लग रही है, इस पर टेक्निकल व्यू शेयर कीजिए। आज हम देख रहे हैं कि 5.5% ऊपर है, प्रोपीन की कीमतों में बदलाव हुआ है, उसका यहाँ पर फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जीएमडीसी जैसी कंपनियों को। ये मौजूदा लेवल पर क्या एंट्री लेने की सलाह देंगे या फिर अवॉइड करें, और जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करें जीएमडीसी पर? ओवरऑल अगर जीएमडीसी के फॉर्मेशन की चार्ट्स की बात करें तो 2007 में इस काउंटर ने करीब 320 का हाई बनाया था, वहां से ये काउंटर लुढ़क के नीचे आया और उसके बाद करीब करीब 5 बार इस काउंटर ने 220 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन ये 14 सालों में ये नाकामयाब था। हमने वो पहला ब्रेकआउट देखा है बहुत ही रिसेंटली, वो था अगस्त 2023 में, काउंटर ने डिसाइसिवली 230 के ऊपर क्लोजिंग दिया और अब ये 330 पे चल रहा है। सो ये एक नई रुझान में डेफिनेटली आ गया है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस काउंटर में है। बाय ऑन डिप की रणनीति डेफिनेटली अडॉप्ट कर सकते हैं, बट एट प्रेजेंट लेवल जो 330 के लेवल्स हैं, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नई बाइंग के लिए थोड़ा सा अनफेवरेबल होगा। अगर ये काउंटर में थोड़ा सा करेक्शन आता है तो 265 या 270 के स्टॉप लॉस से इसमें डेफिनेटली खरीदारी की जा सकती है और इसे लंबी अवधि के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, बट फॉर टाइम बीइंग बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं इस काउंटर को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा और बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे अडॉप्ट करूंगा। तो फिलहाल जो है वो बाय ऑन डिप्स की रणनीति और इस स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह मिलती हुई।